नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ प्रतिम और आप देख रहे हैं एक्वा ज्ञान थेरेपी। दोस्तों, मैं एक फिशरीज ग्रेजुएट कम एक्वाकल्चर कंसल्टेंट भी हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरा सभी एक्वा ज्ञान थेरेपी फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं, अच्छे से फिश फार्मिंग और श्रिंप फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक गुरुत्वपूर्ण विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। वो है दोस्तों, आप देखेंगे बहुत सारे टाइम आपका तालाब में मछली बेसिकली सुबह के टाइम वाटर सरफेस में आकर मुंह उठाकर सांस ले रही है या फिर स्विमिंग कर रही है। और दोस्तों, आप कुछ टाइम ऐसे भी देखे होंगे कि आपका तालाब में जो मछलियाँ है, बहुत सारी मछलियाँ एक साथ मर गई है। बट दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स होता है, बेसिकली डिजॉल्व ऑक्सीजन का बहुत मात्रा में शॉर्टेज होने के कारण से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा तालाब में डिजॉल्व ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने का कारण क्या है और वो कारण को ढूंढकर हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। इसके जस्ट पहले जो मैं पार्ट वन का वीडियो डाला है, उसमें मैं आपको बताया कि तालाब में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाएगा तो मछली को क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या सिम्टम्स दिखा जाएगा। और आज के इस वीडियो में एकदम फुल्ली डिटेल्स में एकदम बताऊंगा कि कैसे आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो का एंड तक आप बने रहिए तो आप खुद ही सॉल्यूशन कर पाएंगे। आपका तालाब में जो मछली मर रही है, सो उसका सॉल्यूशन आप खुद ही कर पाएंगे। सो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एक्वा ज्ञान थेरेपी यूट्यूब चैनल को फिशरीज और एक्वा कल्चर से जुड़े सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए। तालाब में डिजॉल्व ऑक्सीजन शॉर्टेज होने का पहला जो मेन कारण है, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी। दोस्तों, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी का मतलब होता है जब हम हमारा तालाब में जितने एरिया में जितना मछली छोड़ने के लिए रिकमेंडेड है, उससे हम अगर बहुत ज़्यादा हम स्टॉकिंग कर देंगे तो तभी जाकर हमारा तालाब में जो स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हाई हो जाएगा। सो तभी जाकर क्या होगा ना, जब मछली छोटा रहेगा तो मछली को प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जब मछली बड़ा हो जाएगा तो स्पेस के लिए प्रॉब्लम आएगा और वहाँ पर जो ऑक्सीजन के लिए भी प्रॉब्लम आएगा। सो पहले स्टेप पे हमें क्या करना है, स्टॉकिंग डेंसिटी को प्रॉपर से करना है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल से मैं बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए आईएमसी को हम पर हेक्टर वाटर बॉडी के लिए हम 12,020 मछली स्टॉकिंग कर सकते हैं विदाउट एरिएशन। बट दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 15,000-20,000 पीस कर देंगे स्टॉकिंग, तो क्या होगा, मछली को ऑटोमेटिकली, मछली का बॉडी और जब इंक्रीज होगा तो मछली को ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन शॉर्टेज का प्रॉब्लम आएगा। देन दोस्तों, हमारा तालाब में ऑक्सीजन शॉर्टेज होने का और एक सबसे मेन कारण है, वो है लो प्लैंकटन डेंसिटी। यानी कि तालाब का पानी में जो प्लैंकटन डेंसिटी घट जाएगा तो आप देखेंगे दोस्तों, हमारा तालाब का पानी का कलर क्लियर हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखा जाएगा। सो दोस्तों, तब हमारा तालाब में क्या होगा ना, ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा। क्यों होगा, बेसिकली प्लैंकटन का काम ही होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन प्रोडक्शन करना। बट जो प्लैंकटन यानी कि मेनली जो फाइटोप्लैंकटन नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होगा, तब हमारा तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है। सो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या है, सो ये जो प्लैंकटन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, सो मछली का जो प्लैंकटन एक मछली का नेचुरल खाना भी होता है दोस्तों, सो प्लैंकटन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें प्रॉपर से ऑर्गेनिक जूसेस और जो फर्टिलाइजर का डोज करना पड़ेगा। इस बारे में ऑर्गेनिक जूस कितना मात्रा में आप यूज करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट होगा, इस बारे में मेरा डिटेल्स में वीडियो, इसके बाद मेरा ये जो प्लैंकटन डेंसिटी आप कैसे बढ़ाएंगे तालाब में, उस बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो दोस्तों, उससे आप देख लेंगे। तो दोस्तों, जब हमारा तालाब में प्लैंकटन डेंसिटी कम हो जाएगा तो आपको प्रॉपर से ऑर्गेनिक जूसेस का डोज करना पड़ेगा। देन दोस्तों, हमारा तालाब में हमारा ऑक्सीजन शॉर्टेज होने का जो और एक कारण है, वो है हाई एल्गल डेंसिटी या फिर हाई प्लैंकटन डेंसिटी। जब ओवर एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में एल्गी या फिर प्लैंकटन जब ग्रो अप कर जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा तालाब में, तभी जाकर क्या होगा ना, दिन का टाइम तो कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, बट रात में क्या होगा, बेसिकली दोस्तों रात में होता है जो ये जो प्लांट्स यानी कि बेसिकली जो फाइटोप्लैंकटन और एल्गी रेस्पिरेशन करता है, यानी कि श्वसन करता है। श्वसन में क्या होता है, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करता है। सो यहाँ पर जब ऑक्सीजन ले लेगा तो तालाब में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा, बेसिकली रात का टाइम देखा जाता है। तो ये हाई प्लैंकटन डेंसिटी और हाई एल्गल डेंसिटी का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको बेसिकली ज़रूरत होगा दो चीज़ों की। वो दो चीज़ क्या है, वो है पहला है कॉपर सल्फेट और दूसरा है लाइम, जिसे आप चूना कहते हैं। आपको कॉपर सल्फेट बेसिकली ज़रूरत होगा 1 से 1.5 kg पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए, और जो चूना यानी कि जिसे आप लाइम कहते हैं, उसे आपको ज़रूरत होगा बेसिकली 30 से 40 kg पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए।
सो आपको यहाँ पर कैसे ये अप्लाई करना है आपका तालाब में दोस्तों, ये कॉपर सल्फेट को डायरेक्टली तालाब में अप्लाई नहीं करना है, इसे छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े में अच्छे से बांध लेना है, देन वाटर सरफेस से 1 से 1.5 फीट नीचे डुबो कर उसे उसी सिचुएशन में रख देना है। देन उसे डुबो कर रख देने के बाद नेक्स्ट दिन आप क्या करेंगे, लाइमिंग का डोज करेंगे। जितना आपका लाइम है, वो जो 40 kg मान लीजिए लाइम है, उससे आप आधा मतलब 20 kg आप लाइमिंग करेंगे। देन उसके बाद दूसरा दिन देखेंगे, दूसरा दिन अगर कलर जो वाटर कलर ठीक हो जाएगा, यानी कि जो एल्गल डेंसिटी ठीक हो जाएगा, तो लाइमिंग का डोज नहीं करना है। अगर एल्गल डेंसिटी ठीक ना होगा तो फिर से आप जो आधा केजी और जो आधा जो 20 kg आपका लाइम रह गया है उसे फुल्ली अप्लाई कर दीजिए। देखेंगे दोस्तों आपका तालाब का पानी के कलर, यानी कि जो एल्गल डेंसिटी का प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा। बेसिकली इस बारे में हमारा डिटेल्स चैनल में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देन दोस्तों, ऑक्सीजन शॉर्टेज होने के पीछे और एक मेन कारण है, जब हम तालाब में एक्सेसिव फीडिंग कर देंगे और जो मछली जो एक्सक्रीटा निकालते हैं उससे भी हमारा तालाब में जो ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या ना, जब तालाब में हमारा फीड वेस्ट ज़्यादा होगा तब क्या होगा, वो तालाब का बॉटम में जाकर जमा होगा और जो मछली जो एक्सक्रीटा यानी कि जो पॉटी या फीकल मैटर जो निकलते हैं मछली के शरीर से, वो जाकर बॉटम में जमा होगा। तो वो जब सड़ेगा यानी कि जब डिकम्पोज होगा, तब वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में यानी कि सड़ने का जो तरीका है, प्रोसेस है, उसमें ऑक्सीजन लगता है। सो जब डिकम्पोज होगा तब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा वाटर बॉडी से, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा ना, ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा। सो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे ठीक कैसे हम करेंगे। सो हम जो मछली को खाना देते हैं उसे कैलकुलेटिव तरीके से उसका बॉडी वेट के हिसाब से प्रॉपर से हमें फीडिंग करना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको हर 15 दिन या फिर हर 20 दिन का इंटरवल में आपको प्रॉपर से लाइम यानी कि चूना ऐड करना है अपना तालाब में। वो पीएच के ऊपर डिपेंड करके आप चूना ऐड करेंगे। मैं एक अप्रोक्सीमेट डोज बताता हूँ, हर 20 दिन में आपको एक बार चूने का डोज करना है, वह 15 से 20 kg पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए करेंगे। बार दोस्तों, ये हर टाइम पीएच के ऊपर डिपेंड करके ही करना है। देन दोस्तों, ये जो फीड वेस्टेज और जो आधार जो मछली के शरीर से जो एक्सक्रीटा निकलता है उससे जो वेस्टेज होता है, उससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेज भी क्रिएट होता है। सो हार्मफुल गैसेज अगर क्रिएट होगा तो तालाब में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी ऑटोमेटिकली होगा। सो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए आपको दोस्तों, हर 20 दिन में या फिर हर 1 महीने में आपको एक बार करके ये जो जियोलाइट और जो गैस रिवल मेडिसिन का डोज आपको करना है, यानी कि जियोलाइट आपको मान लीजिए लेना है पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए 20 से 25 kg, और गैस रिवल मेडिसिन होगा आपका वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करके होता है, इसे आपको पर 20 दिन में एक बार या फिर पर 30 दिन में एक बार करना है, वो मछली के बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करके और स्ट्रीम का बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करके होता है। देन दोस्तों, ये जियोलाइट और गैस रिमूवल मेडिसिन का डोज अगर प्रॉपर से करेंगे तो ये जो गैसेस का प्रॉब्लम था और जो ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन कंज्यूम होता था वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। और दोस्तों, और एक काम यहाँ पर आप कर सकते हैं, आप चेनिंग कर सकते हैं, यानी कि तालाब का बॉटम का मिट्टी को किसी भी तरीके से आप हिला सकते हैं। उससे क्या होता है ना, जो तालाब का बॉटम का नीचे जो जो गैसेज जमा हुआ होता है वो तालाब में फ्री हो जाता है, देन वो ऑटोमेटिकली एटमोसफियर में फ्री हो जाता है। देन दोस्तों, हमारा तालाब में और एक कारण से जो ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है वो है दोस्तों, जब तालाब में हमारा जो टेम्परेचर तापमान जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तभी भी हमारा तालाब में जो ऑक्सीजन शॉर्टेज हो सकती है। बेसिकली ये होता है समर का टाइम है, जब धूप ज़्यादा गिरता है तालाब में तब हमारा जो ऑक्सीजन शॉर्टेज का प्रॉब्लम दिखा जाता है समर का सीजन में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको बेसिकली करना ये है, जब सुबह 12 बज जाएगी, 12 बजने के बाद से आपको जो ग्राउंड का पानी को आप 10 से 20% पर डे आपको ऐड करना है, ठीक है ना, नया पानी ग्राउंड का आपको 10 से 20% ऐड करना है। सो ये सॉल्यूशन हो जाएगा ये टेम्परेचर का प्रॉब्लम था। और एक काम कर सकते हो दोस्तों, आप यहाँ पर वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं एरिएशन के माध्यम से। सो इससे क्या होगा ना, जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है यानी कि हर लेयर में जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है वो उतना ज़्यादा होगा नहीं। सो इससे ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और एक कारण से भी दोस्तों हमारा तालाब में ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, जब दोस्तों क्लाउडी वेदर होता है, यानी कि हमारा जो आसमान में जब धूप नहीं होता है, जब बादल छाया हुआ होता है, तब क्या होता है ना दोस्तों, धूप तालाब में ना गिरने की वजह से जो फाइटोप्लांकटन और जो हमारा जो एटमोसफियर में जो प्लांट्स है उनका जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है।
और ना होने के वजह से जो फाइटोप्लांक्टन का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होगा। सो इस कारण से भी जब क्लाउडी होता रहता है तभी भी हमारा तालाब में ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है। सो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इस सिचुएशन में से दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, आप वाटर रिसाइकिल कर सकते हैं। आप पंप का माध्यम से सेम तालाब का पानी को आप वाटर उसी तालाब में ही आप फेंक सकते हैं, उससे हम वाटर रिसाइकिल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक स्पेसिफिक कुछ कारण जिससे हमारा तालाब का पानी में ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है और उसका सॉल्यूशन। दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों आप और कुछ कुछ काम कर सकते हैं जिससे आपका तालाब का पानी में जो ऑक्सीजन शॉर्टेज ना हो, इसलिए आप कुछ काम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप तालाब का पानी में दोस्तों आप स्विमिंग कर सकते हैं, इसके बाद कुछ लकड़ी लेकर या फिर कुछ लेकर आप तालाब का पानी में ऐसे करके बाहर कर सकते हैं जिससे वाटर फ्लो हो या फिर पानी उछले, तो इससे भी तालाब में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों ये जो बत्तख होता है ना, बत्तख पाल लेने के लिए कुछ मात्रा में अगर बत्तख भी पाल लेंगे ना, बत्तख जब पानी में डूबेगा उसके बाद ऊपर उठ आएगा तो उससे भी थोड़ा बहुत जो हमारा तालाब में वेव्स क्रिएट होता है उससे भी ऑक्सीजन थोड़ा बहुत होता है प्रोडक्शन। दोस्तों ये क्या आज का ये पूरा वीडियो, अगर आप थ्रू आउट द कल्चर पीरियड ये सब मेंटेन करके चलेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका तालाब में जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है ना बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को और ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का ये वीडियो समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का हमारा लाइक का टारगेट है ओनली 100, अगर 100 वीडियो हमारा 100 लाइक हो जाएगा तो नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ हमारा ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों और ज़्यादा बात ना करते हुए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, अच्छे रहना, अच्छे काम करना, स्टे कनेक्ट, कीप ग्रोइंग, धन्यवाद।